subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Chingare ka tukda hai. Jo surat hai tum bata rahe ho, isse to lagta hai ki file Jibran ne churayi. Usi ne churayi aur kisne churayi? Us ladke ne meri zindagi azab kar di, raat ki neendein haram kar di. Main use zinda nahi chhodunga. फाइल चुराने करके ये मतलब नहीं है कि यार वो वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? उसने शुगल में हरकत की है। देखो यार, जब तक ये साबित ना हो जाए कि किसका खून गंदा है तो मैं कोई इंतहाई कदम नहीं उठाने दूंगा। तो ये फैसला कैसे होगा? वो खुद बताएगा। और वो फाइल कोई आखिरी फाइल नहीं थी, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड का प्रिंट आउट था। तुमने फाइल पढ़ी थी? नहीं, पढ़ तो नहीं सका। तो फिर सब्र करो, कल तक फाइल आ जाएगी। और बस एक तरीका और है सच्चाई मालूम करने का। क्या तरीका? डीएनए टेस्ट। लगता है कि किसी के फोन का इंतजार था तुम। तुम्हें मना किया था ना, आइंदा मुझे फोन मत करना। ऐसे ही एक बड़ी खबर मिल गई थी, सोचा कि तुम्हें बेच दूं। मैं कोई अखबार प्रिंट करने वाली लगती हूँ तुम्हें, जो खबरें खरीदती फिरूं? परिजान खबर जिससे मुताल्लिक होती है उसी के लिए अहम होती है। खरीद लो, कौड़ियों के भाव बेच रहा हूँ, कौड़ियों के। डैनी, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आइंदा फोन मत करना। तुम्हारा और जिब्रान का रिश्ता महबूब या महबूबा का है या फिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ सिर्फ काफिया से काफिया मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कमबख्त है साला, मिलता ही नहीं है। काफिया से काफिया तो मिल नहीं रहा, या तो खून से खून का रिश्ता मिल रहा है, वो भी मोहब्बत करता। मैं कुछ समझी नहीं। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता मेरी जान कि आखिर मेरा मसला क्या है। लेकिन कभी कभी समझता हूँ, सोचता हूँ तो अपना मसला समझ ही लेता हूँ। मेरा मसला है पैसा। खन खनाता हुआ पैसा। पैसे की बात सुनी कभी? मेरा मसला है एक बंगला, एक गाड़ी और तुम जैसी कोई प्यारी। मिल जाए तो मजा आ जाए। अब तुम्हें कितने पैसों की भूख है? भूख तो बहुत है मेरी जान, लेकिन हर पेट की एक गुंजाइश होती है। अब यह अलग बात है कि मुझे कुछ भूख ज्यादा ही लगती है। इस पर जो मेरे पास खबर है, जो कि तुम्हारी दिलचस्पी का बाइस है, इसकी कीमत है 1,00,000 रुपये, सिर्फ 1,00,000 रुपये। खबर क्या है? रकम मिल जाएगी, मरो मत। तुम जिसकी बेटी हो वो यकीनन तुम्हारा बाप है, लेकिन तुम उसकी इकलौती बेटी नहीं हो। तुम्हारी माँ के अलावा भी उसकी जिंदगी में एक औरत थी, और वो औरत यकीनन उसकी बीवी नहीं थी, एक पाक मोहब्बत की नापाक औलाद, दुर्दाना राशिदी और सेठ जब्बार की नाजायज औलाद, और तुम्हारा नाजायज भाई जिब्रान राशिद। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मेरी जान, इतना गुस्सा है? तुम सामने होती ना तो गुस्से में देखता तुम कैसी लग रही हो। अरे बकवास नहीं कर रहा, सिर्फ फरमा रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो अपने बाप से पूछ लो, और अगर डर है कि बाप सच नहीं बताएगा तो जिब्रान से पूछ, और जिब्रान से पूछते हुए अगर तुम्हें शर्म आती है तो जिब्रान की बहन से, जिब्रान के भाई से, जिब्रान की मरी हुई माँ से, जिब्रान के फूफा से, चाचा से, यार जिससे चाहे पूछ लो। चाहो तो डैनी से पूछ लो, और डैनी से पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डैनी तो खुद बता रहा है मेरी जान।
अभी गुस्सा करती है। दुर्दान राशि और सेठ जब्बार की नाजायज बात और तुम्हारा नाजायज भाई जिब्रान राशि। हेलो बाय। सोहा, वो मैं तुमसे मिलने आया था। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे परेशान ना करो। सोहा, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहा था। प्लीज यहाँ से जाओ और आइंदा यहाँ कभी नहीं आना। सोहा, तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? सोहा क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी या कुछ और? नथिंग एट ऑल। इतनी दूर क्यों बैठी हो? करीब आओ। अब मैं दूर ही रहूं तो अच्छा है। मुझसे खेल मत खेलो, वैसे भी बहुत देर हो गई। मैं खेल नहीं खेलती सदीक साहब, किसी के साथ नहीं। खेलने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए कि आप कैसे आदमी हैं। बहुत बुरा आदमी हो और तुम ये जानती हो। करीब आओ ना, आओ ना। लगता है जिंदगी में हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है आपको। मैं इतनी आसान नहीं हूं सदीक साहब। I guess the meeting is over. What? Good night, Sadiq sir. हाँ जिब्रान, मैं जब्बार बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी मेरे घर आ सकते हो?
आओ जबरान बेटा, एक बात आप अपने जहन पर बिठा लीजिए। ना मैं आपका बेटा हूँ और ना आपको मुझे बेटा कहने का कोई हक है। देखो बेटा, मैंने कहा ना आपसे, मुझे नफरत है इस रिश्ते से। अगर ये है तो एक बात कहूं तुमसे, रिश्ते पैदाइशी होते हैं, बनाने से नहीं बनते। अलबत्ता समझाने से समझे जा सकते हैं। क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे, समझाइए। तुम्हारा मेरा रिश्ता, तुम्हारा मेरा रिश्ता नफरत से जरूर शुरू होता है पर मोहब्बत पर खत्म होता है। यही तो मैं खोजने आया हूँ कि क्या रिश्ता है आपका और मेरा। क्या रिश्ता था आपका मेरी माँ से, कोई मुनासिब पीजा नाम ले सकते हैं आप इस रिश्ते को? बाइज्जत रिश्ते हैं हमारे, मेरा और तुम्हारा बाकी इसकी का रिश्ता। देखिए, तुम्हारा गुस्सा फितरी है और हमारी मोहब्बत भी गैर फितरी नहीं थी। मैं यहाँ पर आपकी फजूल बकवास सुनने के लिए नहीं आया, एक बात बताने आया हूँ आपको। जो कांटों की फसल आपने बोई है उसमें से बिल्कुल नहीं उगेंगे। ये जो कांटे मेरे दामन में, मेरी माँ के और हम सबकी जिंदगियों में है, वो सिर्फ कांटे ही देंगे। जब मजबूरियों के फैसले होते हैं तो मोहब्बतें कुछ ली जाती, ऐसा ही होता है। इसीलिए तुम्हारी माँ सारी जिंदगी दुख झेलती रही और मैं बेसकुनी के समंदर में डोलता रहा। अपनी अधूरी मोहब्बत को रो रहे हैं आप? नजर नहीं आता आपको कि आपकी बेटी जो मेरी बहन है मोहब्बत करने लगी है मुझसे? समीर मलामत नहीं करता आपको इस गुनाह के लिए? क्या फसूल बात कर रहे हो तुम? फसूल बात नहीं कर रहा हूं मैं, फसूल बात है। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम दुर्दाना और सदीक राष्ट्र की औलाद हो। तुम उस औरत की औलाद हो जिसे मोहब्बत की थी मैंने और उसने मुझसे। क्या मोहब्बत करना गुनाह है? नहीं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं? ऑफ कोर्स नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हें गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हें बेटा। तुम बहुत अच्छी हो गई हो। हमारी माँ
I'm sorry, Mama. मुझे माफ कर दे। किस बात की माफी? मैंने सुबह आपसे बहुत बदतमीजी की, लेकिन मैं भी क्या करता, बस मैं अपने आप पर काबू ही नहीं पा सका और जो मुंह में आया बकता चला गया। सॉरी मां। और अब क्या हो गया? मैंने बहुत सोचा मामा, सिर्फ एक ही बात समझ आई, इस दुनिया में हर इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता, लेकिन दूसरे लोग उसे ऐसी जिंदगी गुजारने नहीं देते। हम खुद तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को अपनी ही तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। मैं गलत था मोहन, I'm really sorry. तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मामा, सीरियसली मैं सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करना चाहता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ कि आपकी जिंदगी पर या आपके पर्सनल इश्यूज में मेरी कभी भी कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मुझे उसका कोई हक नहीं। जिब्रान, मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर। सुबह जब तुमने कहा तुम गलती पर नहीं थे, लेकिन इस वक्त जो तुम माफी मांग रहे हो मुझे जिंदा दरगोर करने के लिए काफी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? मैं तो अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं ना आपसे। ये माफी नहीं है जबरान, ये तो इसका तो ये मतलब है कि तुम मुझे गलत समझते हो और गलती करने की आजादी को मेरा हक समझते हो। नहीं मामा, ये बात तुम्हारी हकलाहट इस बात का सबूत है बेटा कि तुम ऐसा समझते हो। तुम अपने बाप पर गए हो, परसों की तरबियत, मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत ना तुम्हारी सोच बदल सकी ना तुम्हारे बाप की। माँ अगर अपनी हस्ती मिटा भी डाले, औलाद कहलाती बाप ही की है। माँ अगर अपनी हस्ती मिटा भी डाले, औलाद कहलाती बाप ही की है। क्या मैं खिलौना नजर आती हूँ? शादी कब करनी है?